दोस्तों, 80s का ज़माना याद है आपको? कैसे याद होगा, आप में से तो बहुत से लोगों ने तो सिर्फ उसे टीवी पर ही देखा होगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पर हाँ, बेल बॉटम नाम तो ज़रूर सुना होगा। उस टाइम का सबसे ट्रेंडी फैशन था बेल बॉटम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता, वेलकम टू फिल्म मीता। आज हम लेकर आए हैं बेल बॉटम मूवी ट्रेलर, जो कल रिलीज हुई है। इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी देखने को मिलेंगे। मूवी 19 अगस्त को थिएटर में रिलीज की जाएगी, पर ये कैसे होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी थिएटर्स बंद हैं। पर मानना पड़ेगा अक्षय कुमार की डेयरिंग को, ये सच में खतरों के खिलाड़ी निकले। कोविड के ऐसे समय में ऑडियंस को फुल एंटरटेनमेंट देने को तैयार हैं वो। सुना है ये फिल्म 3D में भी रिलीज होगी, ताकि दम तोड़ते हुए थिएटर्स में लोग 3D चश्मे के लालच में मूवी देखने आ जाएं। पर जो भी हो, ट्रेलर है बहुत ज़बरदस्त। कहानी 1984 की चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रहे प्लेन हाईजैक की सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें अक्षय कुमार शादीशुदा सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो चेस का माहिर खिलाड़ी है, चार चार भाषाएं जानता है और लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक होता है। फिल्म में वाणी कपूर को उनकी वाइफ का रोल मिला है, जिनके नाजुक कंधों पर रोमांस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। इसके अलावा इस फिल्म में इनके साथ मिशन में कई कैरेक्टर्स और हैं, जो अक्षय के कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हुमा कुरैशी और आदिल हुसैन भी हैं। अक्षय कुमार का लुक ट्रेलर में बहुत शानदार लग रहा है, रेट्रो लुक अक्षय कुमार पर काफ़ी सूट कर रहा है। अक्षय ना सिर्फ अपने लुक के साथ बल्कि अपनी फिल्मों में भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि हर बार वो कुछ नया रोल प्ले करें, नई स्टोरी करें, और देखा जाए तो यही सही मायनों में एक कलाकार की असली निशानी होती है। इस फिल्म के ट्रेलर में भी अक्षय को यही कोशिश करते दिखाई देते हैं, पर कहीं कहीं पर हमें बेबी, एयरलिफ्ट के अक्षय की भी झलक देखने को मिल जाती है। वाणी कपूर को ट्रेलर में सिर्फ 2 सीन में दिखाया गया है, जिसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म में वो कितना दिखाई देने वाली हैं। वैसे ट्रेलर में तो हुमा कुरैशी वाणी कपूर से भी कम दिखाई पड़ती हैं, पर आई होप फिल्म में उन्हें वाणी कपूर से तो ज़्यादा दिखाया जाने वाला है। इस फिल्म को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास बनाती है, वो इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसे दिया है तनिष्क बागची ने। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे ट्रेलर की जान उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ही है। बहुत शानदार और जानदार म्यूजिक है, जो सुनने वालों के कानों में काफ़ी देर तक गूंजता रहने वाला है। ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है, जिसे अगर सच में बड़े स्क्रीन पर देखने को मिल जाए तो बस मज़ा आ जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी कुमार तो पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस देने ही वाले हैं। बट एक ही कमज़ोर कड़ी दिखाई देती है मुझे, और वो है इसका VFX, जो कि उतना अच्छा नहीं है। खैर, बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्मों का VFX इसी लेवल का होता है, पर सच में टाइम आ गया है कि बॉलीवुड अपनी फिल्मों के VFX पर को बेटर बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करे, क्योंकि VFX अच्छे नहीं होंगे तो 3D चश्मे से भी मज़ा नहीं आने वाला बॉस। ओवरऑल ट्रेलर देखकर तो लगता है कि फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग होने वाली है, पर सच में ये हमारी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी या नहीं, इस राज पर से तो 19 अगस्त को ही पर्दा उठेगा, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो भी पाती है या नहीं। क्या ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होने वाला है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, पर ज़रा रुकिए जनाब, पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी तो हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।